सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में। उस थ्योरम को प्रूव करूंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का 5th वीडियो है। इसके पहले मैं प्रोबेबिलिटी का 4 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियोज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो इवेंट का यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए किसी पासे को फेंकते हैं तो जो रिजल्ट आता है, सारे रिजल्ट का एक सेट बना लीजिए। अगर लूडो का पासा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 आएगा। तो ये 6 रिजल्ट हुआ, ये सारे रिजल्ट का जो सेट होता है उसी को हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं। तो ये सिंपल स्पेस हो गया। और हम लोग यहाँ पर दो इवेंट लेते हैं, एक 4 से कम आने का इवेंट। तो 4 से कम आने का इवेंट कौन सा होगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा 3 आएगा। ये हुआ इवेंट ऑफ अपीयरिंग दोज नंबर विच इज लेस देन 4। एंड दूसरा इवेंट लेते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज एन इवेंट ऑफ अपीयरिंग इवन नंबर। इवन नंबर आने की घटना को हम लोग बी मान रहे हैं। तो 2 या 4 या 6 अगर आता है तो इवन नंबर आ जाएगा। तो ये हुआ दो इवेंट। अब दोनों का ये यूनियन कर लीजिए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 और 6, इतना एलिमेंट आएगा। सारे एलिमेंट को लिख देना है, रिपीट नहीं करना है। तो ये हुआ ए और बी का यूनियन। तो ध्यान दीजिए इवेंट होता क्या है। सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट को ही इवेंट कहते हैं। ये इसका एक सबसेट है, ये इसका एक सबसेट, ये भी है, तो ये इवेंट हो गया। क्या ये भी सबसेट है, आप देखिए ये सारा एलिमेंट जो है वो सेट एस में है। 1, 2, 3, 4, 6 जो है सेट एस का ही मेंबर है। तो अगर इसका सारा एलिमेंट सेट एस का मेंबर है, मतलब सेट एस का ये एक सबसेट हो गया। और सबसेट को ही इवेंट कहते हैं, तो ये एक इवेंट भी हो गया। और ये कैसा इवेंट हुआ, मतलब अगर दो इवेंट का यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी भी एक इवेंट ही होता है। और ये कैसा इवेंट है, जरा ध्यान दीजिए, ये कब होगा, जब या तो ए हो या बी हो या ए और बी दोनों हो, तभी ये इवेंट होगा। जैसा सपोज कीजिए, मान लीजिए 1 आ गया, 1 अगर पासे को फेंकते हैं और रिजल्ट 1 आ गया, 1 आ गया मतलब कौन सी घटना घट रहा है, ए। अगर 2 आ गया, 2 आ गया तो इसका मतलब इवेंट ए और इवेंट बी दोनों हो रहा है, 2 दोनों में है, तो ए और बी दोनों घटना घटेगा अगर 2 अगर आता है तो। 3 आ गया, 3 आया तो सिर्फ इवेंट ए घट, इवेंट ए जो है वही सिर्फ होगा। 4 अगर आ गया तो इवेंट सिर्फ बी होगा। 6 आ गया तो बी आएगा। तो ए यूनियन बी का अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर आ जाता है तो या तो ए घटना घट रहा है या बी घटना घट रहा है या दोनों घटना घट रहा है। तो ये क्या बताता है, ये एक ऐसा इवेंट बताता है जिसमें या तो ए घटना घटेगा या बी घटना घटेगा या फिर दोनों घटना एक साथ घट सकता है। जैसे 2 आने पर ए और बी दोनों हो गया। तो ए यूनियन बी जो है वो एक ऐसे इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक इवेंट हो जाएगा, ऐसा इवेंट होगा जिसमें या तो ए घटना घटेगा या बी घटना घटेगा या दोनों घटेगा, यानी कम से कम दोनों में से एक घटना जरूर घटेगा। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा जो जिसमें ए या बी में से कोई एक घटना नहीं घटे। कोई भी नंबर आता है तो या तो ए घटना घटेगा या बी घटना घटेगा। तो ये पी ए यूनियन बी क्या बताएगा, ये बताएगा कम से कम दोनों में से एक घटना घटने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। अब फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं तो क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए तो कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 है। तो ध्यान दीजिए ये भी एक सबसेट हो गया, सिंपल स्पेस का ये एक सबसेट है। सबसेट है मीन्स ये भी एक इवेंट होगा। और ये कैसा इवेंट है,
ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों हो। मान लीजिए टू अगर आ रहा है, टू आ रहा है, तो ए घटना भी घट रहा है और बी घटना भी घट रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों में टू है। तो टू आने का मतलब ए और बी दोनों घटना घटेगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या बता रहा है, ये भी एक इवेंट बता रहा है, लेकिन ये इवेंट तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों एक साथ हो। तो इंटरसेक्शन बताता है, दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो इंटरसेक्शन बताएगा, एक इवेंट बताएगा, और ये इवेंट तभी होगा जब ए और बी दोनों एक साथ हो। और यूनियन क्या बताता है, यूनियन बताता है दोनों इवेंट में से कम एक घटना घटने का, और ये बताता है दोनों घटना एक साथ घटने का। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, लेकिन किसका प्रोबेबिलिटी बताएगा, ए और बी दोनों घटना एक साथ घटने का ये प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि पी ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, पी ऑफ ये बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी बताता है। और पी ए बार क्या बताता है, मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ, ए बार जो है वो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, और ए बार का मतलब होता है नॉट ए, यानी ए घटना नहीं घटने का ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, ये ए घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। और यूनियन के बारे में मैं बता रहा था कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या बताता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए और बी और बोथ, या तो ए घटना घटेगा या बी घटना घटेगा या दोनों घटना घटने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम ए एंड बी, दोनों में से कोई एक घटना घटने का प्रोबेबिलिटी बताता है। और इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, दोनों घटना एक साथ घटने का ये प्रोबेबिलिटी बताता है। अब यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी बार है, मतलब इंटरसेक्शन लगा हुआ, मतलब ये दोनों घटना घटेगा, तो दोनों घटना में से ए घटना घट रहा है और ये नॉट बी है, मतलब बी घटना नहीं घट रहा है, तो ये बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए एंड नॉन अक्रेंस ऑफ बी, ए घटना घटने का और बी घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी बताता है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी क्या बताएगा, ये ए बार इंटरसेक्शन बी जो है ये बताएगा ए घटना नहीं घटने का और बी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अक्रेंस ऑफ ए एंड अक्रेंस ऑफ बी, और अगर दोनों में बार लगा हुआ है तो ये बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नादर अक्रेंस ऑफ ए नोर अक्रेंस ऑफ बी, ना तो ए घटना घटेगा और ना ही बी घटना घटेगा, दोनों में बार लगा हुआ मतलब दोनों में से कोई भी घटना यहाँ पर नहीं घटेगा। तो ये हुआ कुछ रिजल्ट। अब हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का क्या स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट, देन कोई भी दो इवेंट ए और बी ले रहे हैं किसी भी रेंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है कि ए यूनियन बी का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए के प्रोबेबिलिटी में बी का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, इसी को एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं ये जरा ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू एन, किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो है वो एन है, यानी कि सिंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स हो गया, एन एलिमेंट्स हो गया सिंपल स्पेस में। ये मानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए, और ए के फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट है एम वन, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू बी, बी के फेवर में एम टू इवेंट्स है और एलिमेंट्री इवेंट्स है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों इवेंट ए और बी दोनों केस के फेवर में कितना एलिमेंट है एम एलिमेंट है। इसको एक वेन डायग्राम से देखिए, मान लीजिए ये पूरा जो है वो सिंपल स्पेस है और एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है, तो ए इवेंट के फेवर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एम वन है, यानी ये एम वन भी ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे सेट में जितना एलिमेंट्री इवेंट होगा उसकी संख्या एम वन है, और बी में जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स होगा बी के फेवर में वो एम टू है, और एम क्या है,
एम ए और बी के इंटरसेक्शन का जो फेवरेबल केसेज होगा, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स होगा, वो एम है। तो एम, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ए के फेवर में एम वन, बी के फेवर में एम टू और ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में एम एलिमेंट्री इवेंट्स है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए वनली, वनली ए के फेवर में, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो एम वन है, एम वन में से ए के भी फेवर में कुछ एलिमेंट्री इवेंट है और बी के भी फेवर में आ जाएगा। यहाँ जो नंबर होगा वो बी के भी फेवर में आ जाएगा। तो सिर्फ ए के फेवर में कितना होगा, ए के फेवर में पूरा में से हम लोग एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एम वन माइनस एम हो जाएगा। एम वन माइनस एम जो है वो सिर्फ ए के फेवर में एलिमेंट्री इवेंट्स होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से आप देखिए, मान लीजिए यही जो मैं अभी बता रहा था सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और ए ले लेते हैं 1 2 3 और बी ले लेते हैं 2 4 6 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ए में तीन एलिमेंट्री इवेंट है, लेकिन कुछ ऐसा इवेंट भी है जो बी के भी फेवर में है, जैसे 2 बी के भी फेवर में है। तो वनली ए के फेवर में कौन सा है, वनली ए के फेवर में 1 और 3 है। तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट आएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो अगर ओनली ए के फेवर में निकालना है तो जो टोटल ए का है, ए का टोटल फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स 3 है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट ए के फेवर में होगा, 1 और 3, सिर्फ दो ही एलिमेंट ए के फेवर में होगा, 2 जो है वो दोनों के फेवर में है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ ए के फेवर में कितना होगा, तो पूरा एम वन है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम है, तो पूरे में से एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी एम वन माइनस एम जो है वो बच जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए वनली। बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू बी वनली, सिर्फ बी के फेवर में कितना होगा, तो जो पूरा एम टू है उसमें से एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एम टू माइनस एम जो है वो सिर्फ बी के फेवर में हो जाएगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि ए यूनियन बी के फेवर में कितना होगा, ए यूनियन बी मतलब दोनों मिला करके, ए और बी दोनों को मिला देंगे तो सिर्फ ए का जो है, ये वाला जो है सिर्फ ए बता रहा है, ये वाला सिर्फ बी बता रहा है, तो ए और बी, सिर्फ ए और सिर्फ बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट ए यूनियन बी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का, सिर्फ ए का फेवर में था एम वन माइनस एम, सिर्फ बी के फेवर में था एम टू माइनस एम और फिर ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में था एम, ये तीनों को ऐड कर देते हैं। फिर से फिगर से देखिए कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बता रहा है सिर्फ ए के फेवर में और इसकी संख्या एम वन माइनस एम, ये जो पोर्शन है वो बता रहा है सिर्फ बी के फेवर में, इसकी संख्या एम टू माइनस एम और ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का बता रहा है, इसकी संख्या एम, तो तीनों को ऐड कर देंगे यानी एम वन माइनस एम, एम टू माइनस एम और ये एम को अगर ऐड कर देते हैं तो ये ए यूनियन बी का निकल जाएगा। तो देखिए माइनस एम और प्लस एम कट जाएगा तो यहाँ पर बच रहा है एम वन प्लस एम टू माइनस एम, ये यूनियन बी के फेवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स निकल गया। अब जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, पी ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए यूनियन बी, तो इतना एलिमेंट जो है वो इसके फेवर में है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स पहले ही सपोज करके रखे हुए एन है, तो ये बता रहा है इसका प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, तीनों में डिवाइड कर दीजिए एम वन बाय एन, एम टू बाय एन और एम डिवाइडेड बाय एन। अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसको नंबर वन कर देते हैं। अब देखिए सिंस पी ऑफ ई, ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो ए के फेवर में कितना एलिमेंट इवेंट्स है, यहाँ पर लिख चुके हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स फेवरेबल टू ए, ए में एम वन एलिमेंट्स फेवर में है तो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। फिर इसी तरीके से बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बी के फेवर में एम टू एलिमेंट्स था और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे
तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कितना है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एम एलिमेंट्स फेवर में है तो एम टोटल लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये आप फर्स्ट में बैठा दीजिए, तो फर्स्ट में बैठाते हैं तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन बाय एन, एम वन बाय एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए, फिर M2 by N, तो M2 by N को क्या लिख सकते हैं, P of B, फिर M by N, M by N को क्या लिख सकते हैं, P A intersection B। तो यही प्रूफ करना था, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यही हो गया। तो ये हुआ दो इवेंट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालने का। इसी तरीके से तीन इवेंट का भी यूनियन का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एक ये देखिए कि ए बी एंड सी आर थ्री इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए ये कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से तीन इवेंट ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए इसको प्रूफ भी देखिए कि कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आप ऐसा कीजिए, इसको पी और यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग डी मान लेते हैं। तो डी किसको मान रहे हैं, वेयर डी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। अब देखिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो टू इवेंट्स का मैं बताया हूं उसी का मैं यूज कर रहा हूं, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ डी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। अब देखिए यहां पर पी ऑफ ए रहने देते हैं, पी ऑफ डी जो है D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B यूनियन C लिख सकते हैं माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन D का वैल्यू लिख जाते हैं, D का वैल्यू है B यूनियन C। तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, P ऑफ A रहने दीजिए और ये फिर हम लोग एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और ये देखिए इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं सेट्स में, तो ए इंटरसेक्शन बी भी होगा यहाँ पर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी भी होगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो जरा ध्यान रखिएगा ये पूरा एक इवेंट हो गया, ये दूसरा इवेंट हो गया, अब ये दो इवेंट का यूनियन है, तो दो इवेंट के यूनियन का मैं कैसे एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं वही अप्लाई करेंगे। तो पहले इधर वाला तो ज्यों का त्यों रखिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और ये जरा ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी रहने दीजिए, ये भी ज्यों का त्यों रखिए B इंटरसेक्शन C, और ये यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन B, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन C, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए एक कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक कॉमन लेंगे A इंटरसेक्शन और फिर यहाँ पर बच जाएगा B इंटरसेक्शन C। तो ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, आप इसको पहले लिख जाइए इसको बाद में लिखिए और ये ए इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन ए लिखिए। तो यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था, ये तीन इवेंट्स के यूनियन के लिए हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं कुछ कोरोलरी बता रहा हूँ
जरा ध्यान दीजिए, मैं अभी एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में बता चुका हूं कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आप लोग को पता होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इसमें होता क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो जाता है। देन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो मतलब दो घटना एक साथ कभी नहीं हो सकता है, तो इसका इंटरसेक्शन फाई होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ फाई, और फाई का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी को जीरो बैठा दीजिए, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहे तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। बिल्कुल ऐसे ही कोरोलरी टू में मैं लिख रहा हूं कि अगर तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, जैसे यहां पर लिखे हैं दो का वैसे ही हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, क्योंकि बाकी जो भी इंटरसेक्शन वाला जो होता है वो सभी इंटरसेक्शन वाला जीरो हो जाएगा। तो अगर तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तो ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का कुछ थ्योरम हो गया और उसका कुछ कोरोलरी हो गया। फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और आप सभी से फिर पुनः मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।